हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ हमारे यश की पहली आउटिंग। सो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। और ये व्लॉग एक्चुअली काफ़ी पुराना है, जब यश 10 डेज़ का था, मेरी डिलीवरी को 10 डेज़ कंप्लीट हुए थे तब का है। उस दिन हमने दशटौन की पूजा भी की थी और यश का नामकरण भी किया था। तो वो व्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ दिन वाला, बट इवनिंग वाला मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाई थी। तो हम लोग घर से निकले हैं, दिन अच्छा था तो मम्मी ने कहा कि चलो शगुन का आउटिंग कर लेते हैं, सो दैट कि आगे फिर कहीं जाना आना हो, मेरा ससुराल भी पास में है तो कुछ अगर आना जाना हो तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार शगुन के हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए मम्मी ने करवा दिया था। तो हम लोग कहीं बहुत दूर और स्पेशल जगह नहीं गए थे, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मेरे स्टिचेस अभी रिमूव नहीं हुए थे, 2-3 स्टिचेस मेरे बाकी थे, तो इसीलिए हम जस्ट हमारे कैंपस में ही जो मंदिर है वहाँ गए थे। सबसे पहले मंदिर में ही दर्शन करना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले घर से निकल के मंदिर गए थे। देन फिर गार्डन था, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, एंड देन फिर एक और जगह पर हम गए थे जो मैं अभी आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से यश की फर्स्ट आउटिंग हमने कम्प्लीट आरव। हेलो, क्या होने जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इधर देखो, कहाँ जा रहा है? हाँ, हम लोग उसको घूमी कराने ले जा रहे हैं, मंदिर जाएंगे और स्लाइड्स पे जाएंगे। और आप क्या करने वाले हो, इसकी फर्स्ट ट्रिप को क्या बनाने वाले हो? हैप्पी, हाँ, खुश वाली नहीं, हैप्पी, बैड ट्रिप नहीं, ठीक है ना, पक्का ना? और कौन कौन जा रहे हैं? मम्मी, पापा, अम्मा, बाबा और यश। और हम लोग की थीम क्या है? थीम ड्रेस कोड पहने ले लो, और मम्मी ने पाइनएप्पल ले लो पहना है। चलो बाय बाय, सी यू लेटर। हां, चलो सबका ड्रेस कोड दिखाते हैं। पापा है, पापा ने भी येलो पहना है, और ये एडवेंचर हो रहा है, एडवेंचर 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 हो रहा है, एडवेंचर। आपका तो आएगा ही ना, वो अपन बाद में करेंगे, वो करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं घूमने, आपने बोल लिया, मैं बोलूं तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाद पार्क जाएंगे, आरामा स्लाइड करेगा, और बस इस तरीके से हम फर्स्ट ट्रिप जो है बेबी की, वो हम लोग अभी मतलब ऐसा डिसाइड किया है। और हम लोगों ने फिर यश की फर्स्ट ट्रिप है, मतलब बाहर जाने का जो एक रहता है कि एक बार निकलना है, तो आज हम लोग निकलेंगे। और हम सब ने येलो कोट रखा है क्योंकि यश के पास येलो कपड़े थे, तो फिर हम लोगों ने सबने येलो येलो ढूंढ के, पहले आरव ग्रीन पहन रहा था बट फिर येलो पहन लिया थीम में आने के लिए। तो चलो अब हम लोग जा रहे हैं, या फिर हम लोग आपको बाहर मिलेंगे, बाहर बाहर बाद में, बाहर वीडियो। हाय करो, अच्छा आरव कर रहा है हाथ, मैं वही सोचूं पापा बिना कहे हाई क्यों कर रहे हैं, उसको आरव का हाथ दिख रहा था। हेलो नन्नी, दोस्त, हेलो नन्नी, बस बस बस, आरू नहीं,
प्लीज आ रही। ये देखो तुम्हें देख रहा है, बोल रहा है कि यार ये ऐसे कैसे कर रहा है, हम लोग घूमने जा रहे हैं क्या? ऐसा होता है घूमने जाना? तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, शाम को बहुत ठंडी हवा चल रही थी उस पर्टिकुलर डे। घर में तो खैर गर्मी अभी भी है, लेकिन अभी धीरे धीरे मौसम जो है ना वो सही हो रहा है। मॉनसून भी मेरे को लगता है अब जल्दी ही आ जाएगा। बट उस दिन की मैं बात बता रही हूँ, तो उस दिन ना बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो गया था, तो हम लोग फिर निकले थे। और इतने दिनों बाद मैं इस तरीके से बाहर निकली थी, ऐसा लग रहा था सदियों बाद निकली हूँ। हालांकि 10-12 दिन ही हुए थे, उसके पहले तो निकल ही रही थी। बट मैं सच बताऊँ तो ना, मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि कब घूमने को मिले। थोड़ा घूमना एज इन कि मतलब प्रॉपर कहीं प्लान करके आप घूमने जाते हो ना, एक घूमने का फील अलग होता है। तो वो मेरा अभी करीब 9-9.5 महीने से तो नहीं हुआ था, बिकॉज स्टार्टिंग में मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, लो लाइंग प्लेसेंटा था, तरह तरह की चीज़ें थी। और उसके बाद भी मैं बहुत थ्रू आउट मतलब घूमने फिरने में मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं थी। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को मैं हर अपने ब्लॉग में एक्सप्लेन करती थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे मैं डील कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मतलब घूमने जैसा माहौल कभी बन नहीं पाया। ऐसा लगा कि अब प्रेगनेंसी सेफली हो जाए, बेबी आ जाए, फिर तो घूमना ही है। तो अब मुझे एकदम ऐसा लग रहा है ना कि बस अब मुझे घूमना है, कहीं जैसे ही मौका पड़े मैं घूमूं। तो ये 10 दिन डिलीवरी के बाद तो आप समझ ही सकते हो, इतना पेन और वो सब चीज़ें रहती है ना कि डिस्कम्फर्ट इतना ज़्यादा था। लेकिन हाँ, उस दिन जब हम निकले ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके दो कारण थे, एक तो कि मैं उस दिन थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी, थोड़ा चेंज वेंज किया, हालांकि स्टिचेस थे थोड़े से और पेन भी था, बट फिर भी कपड़े वगैरह चेंज किए, अच्छे से तैयार होकर आप जाते हो ना तो मन अच्छा फील करता है। तो वो एक फैक्टर था मुझे अच्छा फील करने में। दूसरा कि वेदर इतना अच्छा हो गया था कि बाहर जाके मतलब रिग्रेट नहीं हुआ। नॉर्मली क्या, गर्मी बहुत होती है या वेदर अच्छा नहीं होता तो अच्छा नहीं फील होता, लेकिन वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो वो एक 4 चांद लगा दिए उसने। तो मेरी आउटिंग बहुत अच्छी हो गई। और उसके बाद हमको एक और सरप्राइज भी मिला, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। ये क्या हुआ इसको? अरे इसने आँख खोल ली, एक आँख तुमने देखा इसने अभी? हाँ देखा, देखा, कैप्चर हुआ, कैप्चर हुआ। ये फिर से देखा मुझे आँख खोल के। हाय थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग एक हमारे यहाँ ना ओपन थिएटर है, ओपन थिएटर एज इन की एक बड़ा सा स्क्रीन लगा देते हैं प्रोजेक्टर से, और ओपन मौसम जैसे हवा वगैरह चल रही है, अच्छा रहता है। और साइड में एक चौपाटी जैसी भी रहती है, यहाँ पे कुछ कुछ खाने को मिलता है। और ये देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पर बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट रहता है। तो कभी कभी वीकेंड्स पे यहाँ पर कोई मूवी या फिर कुछ कुछ ऐसे लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी लगा देते हैं, तो लोग ऐसे छुट्टी को इन्जॉय करते हैं, मज़ा आता है। तो आज के दिन क्या हुआ कि IPL का फाइनल मैच था, तो यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पे फाइनल मैच चल रहा था। और आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग आए थे, बहुत अच्छी लाइटिंग नहीं इसलिए इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो मैच चल रहा था, और ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है हमारी टाउनशिप का। और ये आपको दिख रहे हैं ना लारी वगैरह, यहाँ पर कुछ कुछ खाने का भी मिल रहा था, गन्ने का जूस, आइसक्रीम वगैरह। हमने कुछ ऐसा सच नहीं खाया, बिकॉज मुझे कुछ खाना नहीं था, और मतलब इन्फेक्शन वगैरह रहा, इसलिए उस टाइम मैंने सब कुछ अवॉइड ही कर रखा था, तो हमने कुछ खाया नहीं था। हाँ, इन लोगों ने एक आध आइसक्रीम वगैरह कुछ खाई थी। तो ये मैच वो चल रहा है। और ना एक अच्छी बात और हुई कि हम बाहर गए थे ना, तो हमें वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी मिल गए थे, तो अलग अलग लोकेशन पर कुछ कुछ मिल गए थे, तो उन लोगों से भी थोड़ी गप्पे वगैरह लगा ली थी। तो आप समझ ही सकते हो कि यार हम गर्ल्स को या फीमेल्स को अगर गप्पे लगाने को मिल जाए तो कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, एक पॉजिटिव वाइब्स वैसे ही आने लगती है, चाहे फिर वो मतलब की बात हो या फिर कैजुअल बात हो। लेकिन हाँ, कुछ कुछ बातें की, तो मतलब ऐसा लगा कि हाँ, लाइफ जो है ना वो मेरी अब थोड़ी थोड़ी बैक टू नॉर्मल आ रही है, कि मैं आराम से घूम सकती हूँ। जब तक नहीं निकलो तब तक वही रिस्ट्रिक्टेड लाइफ रहती है कि अरे यार अभी ऐसे नहीं, झुकना नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें तो थी, लेकिन एक बोलते ना मूड चेंज हो जाता है। तो बस उस दिन मूड चेंज हो गया था और पॉजिटिव फील हो रहा था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि अभी तक हम 5 लोग जाते थे और मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब हमारे पास यश था, तो हम एक अलग ही लेवल पे थे। हमारी खुशी, वो एक मज़ा जो था ना, एक ऐड हो गया था यश के आ जाने से, कि अब हमारे पास यश है। अभी तक हमें पता नहीं था कौन है, बट अब हमें पता है, तो हम उसके साथ में इंजॉय कर रहे थे, कंप्लीटेड फील कर रहे थे। तो ओवरऑल ट्रिप जो थी ना वो बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी मुझे लगता है, तीनों को देख चुके हैं, तीनों बाकी है, शामी को देखिए जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं,
तो ये है यश मंदिर से आने के बाद। तो देख सकते हो कितना बड़ा सा चंदन लगाया पंडित जी ने इसको, और इसको मैंने वापस से कपड़े चेंज करके रैप वगैरह कर दिया था, टोपी वगैरह पहना दी थी, बिकॉज़ वो जो कपड़े थे ना थोड़े से बड़े थे तो वो मैंने पहना दिए थे, क्योंकि पैंट वैंट पहन के जाएगा बाहर तो अच्छा लगेगा। मतलब वही बात है ना कि जब बाहर जा रहे हैं तो उसको भी बाहर जैसे फील हो, ऐसा ना हो कि वो कुछ बोल नहीं सकता तो उसको हम ऐसे ही लेके जाएं। तो इसलिए मैंने उसको पैंट शर्ट सब पहना दी थी। तो यहाँ आने के बाद मैंने उसको चेंज वेंज कर लिया, खुद भी चेंज कर लिया, रैप वैप कर दिया, बस मैं उसे फीड करा के सुलाने ही वाली थी। तो मैंने थोड़ा सा ये रील बनाने के लिए शूट किया था ऐसे। तो आज क्या हुआ ना कि वो अपनी आईज़ वगैरह ओपन कर रहा था। अभी से पहले क्या मोस्टली वो 90% सोता रहता था, आईज़ भी इतनी प्रॉपरली ओपन नहीं करता था, बट आज वो सुबह से काफ़ी अच्छे से अपनी आईज़ ओपन कर रहा था। आपने देखा भी मंदिर में कैसा था इनका रिएक्शन, क्योंकि आज वो दिन था जब फर्स्ट टाइम हम उसे इतने अच्छे से समझ पा रहे थे, देख पा रहे थे उसके फीचर्स और वो। और देखिए ना वीडियो में कितना बड़ा बड़ा लग रहा है। एक्चुअली बच्चे जो है ना वो वीडियो में थोड़े बड़े बड़े से ही लगते हैं, बिकॉज हम क्लोजअप से शूट करते हैं ना। एनीवेज ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये दिन स्पेंड करके और ये व्लॉग आप के साथ में शेयर करके, बिकॉज इसमें मेरी भी खुशी है, यश की भी खुशी है, और मुझे पता है कि आप लोग भी मेरे पॉजिटिव व्लॉग्स देखकर बहुत अच्छा फील करते हो। तो आई होप आज का व्लॉग भी आपको उतना ही मज़ेदार और पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मुझे बताने के लिए, और कॉमेंट भी कीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट कि हमारी यूट्यूब फैमिली जल्दी से 10K सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन जाए। और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।